हेलो गाइस, तो आ गए आप। उम्मीद करूंगा ये वीडियो देखने से पहले आज का आपने हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो देख लिया होगा, क्योंकि वहां पे जो मैंने आपसे लास्ट में पजल पूछी थी उसका सॉल्यूशन मैं आपको यहां पे कराऊंगा। साथ में आपको होमवर्क के 30 क्वेश्चन भी यहीं पे मिलने वाले हैं। साथ में कल जो आपको होमवर्क में 30 क्वेश्चन दिए गए थे उसका भी हम क्विक रिविजन यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा है, बुक्का पट्टन का चिंकारा वन्य जीव अभ्यारण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? तो आंसर होगा कर्नाटक। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि कर्नाटक को उसका दूसरा चिंकारा वन्य जीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभ्यारण मिल चुका है, जो कि बुक्कापट्टन में है। अच्छा, अगर ये दूसरा है तो पहला चिंकारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक का कहाँ पे है? तो बगलकोट जिले में है। अगला प्रश्न क्या है, किस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने कांस फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीता? तो आंसर होगा सीड मदर। क्या आंसर होगा? सीड मदर। अगला क्या है, हिमालया कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो विराट कोहली और ऋषभ पंत को बनाया है। तो आंसर होगा विराट कोहली और ऋषभ पंत। अगला क्या है, अच्छा देखो अभी कुछ दिन पहले विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? तो ऑनलाइन फैशन रिटेल फैशन शॉप है आपकी कौन सी, मिंत्रा, उसने। अगला क्या है, मुंबई लोकल रेल यात्रियों को कौन बीमा कवर देगी? तो बजाज फिनसर्व इसका आंसर होगा, बजाज फिनसर्व। अगला क्या है, आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का ऑफिशियल सॉन्ग अभी लॉन्च कर दिया, क्या नाम है उसका? स्टैंड बाय। क्या नाम है? स्टैंड बाय। अगला क्या है, माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई करने वाली पहली अश्वेत महिला ब्लैक वुमेन कौन बनी है? तो आंसर होगा सराय खुमालो। क्या नाम है? सराय खुमालो। और ये कहाँ से है भाई, अफ्रीकन तो है लेकिन कहाँ से है? साउथ अफ्रीका से है, प्रॉपर बात करेंगे तो। अगला है, 19th न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट चाइल्ड एक्टर का अवार्ड किसे मिला? तो सनी पवार को मिला है। क्या नाम है? सनी पवार को। कौन सी मूवी की इन्होंने? चिप्पा के लिए इनको मिला है। और ये चिप्पा बनाई किसने है? तो सफीर रहमान ने बनाई है। अच्छा, मैंने आपको बताया भी था आसाम की जो रुपम बारू है उनकी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है उन्होंने। क्या नाम है उस डॉक्यूमेंट्री का? डॉटर ऑफ द पोलो गॉड। और उसने बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड जीता है इस इंडियन फिल्म फेस्टिवल में। अगला क्या है, बिहारी, अच्छा देखो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इतने ही लिए हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पुराने भी लेते हैं ताकि रिविजन भी हमारा होता रहे। बिहारी पुरस्कार 2018 किसने जीता? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। मनीषा कुलश्रेष्ठ ने, ये राजस्थान की लेखिका है। और किस, इनकी कौन सी रचना के लिए, कौन से उपन्यास के लिए इनको मिला? तो स्वप्नपाश हिंदी इनकी हिंदी नॉवेल है, उसके लिए इनको ये बिहारी पुरस्कार मिला है। याद रखना ये बिहारी पुरस्कार केवल राजस्थानियों को ही दिया जाता है। अगला क्या है, 2023 के एशियन फुटबॉल कप कहाँ पे होंगे? अब तो आपको रट गया होगा, चाइना में होंगे। अगला क्या है, पेटीएम ने पहले क्रेडिट कार्ड के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? यानी कि पेटीएम अपना क्रेडिट कार्ड निकाल रहा है उसके लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, सिटी बैंक के साथ। अगला क्या है, गृह मंत्रालय ने किस एनजीओ को समाप्त कर दिया है? तो इन्फोसिस फाउंडेशन को समाप्त कर दिया है। आंसर होगा इन्फोसिस फाउंडेशन। अगला क्या है, LIC म्यूचुअल फंड के CEO कौन बने? अभी बने ये कुछ दिन पहले ही, तो आंसर होगा दिनेश पंगते को। तो याद रखेंगे दिनेश पंगते का नाम। अच्छा देखो, अगर मैं आपसे पूछूं ना, सिंपल, ये भी नया अपॉइंटमेंट ही है जो मैं पूछने जा रहा हूँ, चलो आप मुझे बताओ LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने थे? तो आंसर होगा विपिन आनंद। और LIC के चेयरमैन पूछेंगे तो MR कुमार आंसर लगाना। उम्मीद करूंगा आपके सारे आंसर सही होंगे, कहीं कुछ गड़बड़ भी है तो सही करके उसे याद कर लेना ताकि भविष्य में गलत न हो, खासतौर पर एग्जाम में। अब मैं आपको कल पूछे गए 30 क्वेश्चन का क्विक रिविजन करवा देता हूं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो ये भी नए बने थे, नाम इंपॉर्टेंट है, बेंजामिन नेतन्याहू नाम होगा। क्या नाम है? बेंजामिन नेतन्याहू। अच्छा, इनके में याद रखना, ये मैंने कहा था 5वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, और जैसे ही इनका 5वां कार्यकाल पूरा करेंगे ना तो इजराइल में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। कौन? बेंजामिन नेतन्याहू। अगला क्या है, गूगल ने अपनी पहली ड्रोन सेवा कहाँ पे शुरू की है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा। अच्छा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ही दे रखा है तो ऑस्ट्रेलिया ही आप आंसर लगाओगे। अगला क्या है, मॉन्टेरी ओपन टेनिस टूर्नामेंट ये किसने जीता? तो गार्बिने ने जीता था, ये नाम पूरा होगा गार्बिने मुगुरुजा। ये कहाँ की है? स्पेन की है। याद रखना ये मॉन्टेरी ओपन टेनिस टूर्नामेंट महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट है, याद रखना। किसने जीत लिया मॉन्टेरी? गार्बिने ने जीत लिया। अगला है, मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता? रॉजर फेडर ने जीता। याद होगा सबको, मैंने बताया भी था 101वां खिताब है रॉजर फेडर का मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट। अगला है, फीफा रैंकिंग अभी आई थी उसमें बताओ इंडियन फुटबॉल टीम की क्या रैंक रही? तो 101वीं रैंक रही, और टॉप किसने किया? बेल्जियम ने किया है।
अगला क्या है, एशिया में 2019 का सर्वश्रेष्ठ एथलीट कोच किसे चुना गया, तो एनी नुरेनी को चुना गया है। ये है कहाँ से, तो ये इंडोनेशिया की है। अच्छा, एथलीट से मुझे याद आ रहा है, अभी अपन ने सेलिब्रेट किया था, मनाया था वर्ल्ड एथलेटिक डे। कब मनाया था बता सकते हो, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, 7 मई को। अच्छा, एथलीट से फिर मुझे लिंक करके याद आता है क्या, स्पोर्ट्स का इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया गया, और मैंने आपको बताया कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, आप ही में से बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया था, और मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी याद करने की, अगर आपको वर्ल्ड एथलेटिक डे पता है 7 मई को, तो स्पोर्ट डे आप निकाल सकते हो, एक एक कम कर दो, 6 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल स्पोर्ट डे। अगला है, सीनियर सिटीजन के लिए डोर स्टेप बैंकिंग किसने शुरू की, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अगला क्या है, स्टाफ किड्स के लिए चाइल्ड डे केयर फैसिलिटी शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बना, तो बैंक ऑफ बड़ौदा इसका आंसर होगा। अगला क्या है, लगातार 3 बार विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता, तो वन एंड ओनली विराट कोहली इसका आंसर होगा। अगला क्या है, बार्क के प्रमुख कौन बने, तो आंसर क्या होगा, कई बार बता चुका हूं, अजीत कुमार मोहंती को। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा देखो, कोई अगर स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहा है ना, तो मैं आपको बता दूं, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको काफी डिटेल में करंट अफेयर्स वाले शो में बता चुका हूं। अभी हम रिविजन कर रहे हैं, तो बिल्कुल रिविजन की तरह ही हम इसको पढ़ रहे हैं। अगला देखते हैं, तो 11वां प्रश्न है, करूर वैश्य बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन गैर कार्यकारी अधिकारी कौन बने, तो NS श्रीनाथ बने, इसका आंसर होगा NS श्रीनाथ। अगला है, देश का पहला हीरा संग्रहालय कहाँ पे खुला, तो ये मध्य प्रदेश में खुला, बताया था मैंने आपको, आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला क्या है, कौन सा शहर पॉल्यूशन चार्ज जोन लागू करने वाला पहला शहर बन गया है, तो आंसर क्या होगा, लंदन होगा। बात समझ में आ गई ना, मैंने समझाया था क्या मतलब हो गया, अगर आपकी गाड़ी एक लिमिट अमाउंट से ज्यादा पॉल्यूशन करेगी तो फिर आप पे चार्ज लगेगा, जुर्माना। अगला है, मुफ्त वाईफाई सुविधा प्राप्त करने वाला 1500वां रेलवे स्टेशन कौन सा बना था, साहिबाबाद रेलवे स्टेशन। अच्छा बताओ ये कहाँ का था, तो ये उत्तर प्रदेश का है। अच्छा ये तो 1500वां हो गया, अगर आपसे पूछा जाए कि पहला वाईफाई प्राप्त करने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो आंसर क्या दोगे, मुंबई सेंट्रल स्टेशन। अगला क्या है, नास्कॉम के चेयरमैन कौन बने, तो केशव मुरुगेश नाम है इनका, क्या नाम है, केशव मुरुगेश। अगला है, ICC के अध्यक्ष कौन बने हैं, अच्छा ICC मतलब इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो ये नया अपॉइंटमेंट है, विक्रमजीत सिंह साहनी। अच्छा एक तो ICC से आपको क्या याद आता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो उसके भी अभी CEO नए नियुक्त हुए हैं, क्या नाम है उनका, मनु साहनी। तो ये दोनों को बिल्कुल क्लियर रखना, इसीलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। अगला है, वर्ल्ड बैंक की अभी रिपोर्ट आई थी और उसमें बताया था कि विदेशों से अपने देश में पैसा भेजने के मामले में कौन शीर्ष पर है, टॉप पर है, तो आंसर होगा भारत। मतलब आप विदेश गए कमाने के लिए और वहां से भर भर के पैसा अपने घर पे देश में भेज रहे हो, तो उस मामले में भारत टॉप पर है, सेकेंड पे चाइना और थर्ड पे मैक्सिको बताया था। फिर अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बने, नया अपॉइंटमेंट है याद रखना, क्या नाम है, ग्राहम रीड, कहाँ से हैं, ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा देखो, हॉकी से मुझे याद आया, चलो आप मुझे बताओ, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है, आप तो बता ही दोगे हॉकी से, चलो बताओ कहाँ पे हुआ था, ये अभी हुआ था रिसेंटली, मलेशिया में हुआ था, किसने जीता, साउथ कोरिया ने किसको हरा करके, हमें भारत को हरा करके। चलो मुझे बताओ, भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच कौन है, ये मैंने जानकर के प्रश्न रखा है, क्योंकि नया अपॉइंटमेंट तो हो गया पुरुष हॉकी टीम के कोच का, ग्राहम रीड, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि महिला हॉकी टीम के कोच कौन है, तो कौन है, शॉर्ड मैरिजन, ये कहाँ से है, हॉलैंड से, तो मैंने याद भी ऐसे ही करवाया था आपको, हॉलैंड के शॉर्ड मैरिजन, मेरे ख्याल से ये भी 2018 का अपॉइंटमेंट है। अगला क्या है, किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने अप्रैल 2019 के एंड में चीनी जश्न में भाग लिया था, भाई चीन का भी 70वां वर्षगांठ मनाया गया था ना, तो उसमें किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने पार्टिसिपेट किया था, तो INS कलकत्ता और INS शक्ति, इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया था, याद रखना, ये अभी एग्जाम में आ चुका है प्रश्न, मैंने आपको कई बार बताया है। अगला देखते हैं, तो 21वां प्रश्न है कि जो गेम चेंजर है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, अभी अभी आई है ये अप्रैल के एंड में, नाम है शाहिद अफरीदी की। अगला प्रश्न है इसी से रिलेटेड कि अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार ये किसकी आत्मकथा है, तो मारिया शारापोवा की। अगला प्रश्न क्या है कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे अभी अपन ने सेलिब्रेट भी किया था, कब किया था, 11 मई को, और ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अगला क्या है, भारत में टोटल रेलवे जोनों की संख्या कितनी हो गई है, तो 18 हो गई है, चलो बताओ 18 रेलवे जोन कहाँ पे खुला, आंध्र प्रदेश में, नाम बता सकते हो उसका, साउथ ईस्ट रेलवे नाम होगा।
अगला क्या है कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, सबको पता होगा क्रिस्टीन लेगार्ड है। अगला प्रश्न क्या है, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कई बार बता चुका हूँ केरला में है। अगला क्या है, भितरकनिका नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है। अच्छा, आपने अगर हमारा नेशनल पार्क वाला वीडियो देखा होगा ना तो ये फटाक से आपको याद आ गया होगा। अगला क्या है, इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज, रेल रोड पुल जिसका नाम क्या है, बोगीबील पुल, ये कहाँ पर है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, आंसर होगा असम में। अगला क्या है, अगला है नो स्पिन ऑटोबायोग्राफी, ये तीसरी, पहले अपन ने देख ली ऊपर गेम चेंजर, शाहिद अफरीदी की, अनस्टॉपेबल मारिया शारापोवा की, और अब ये वाली नो स्पिन वाली किसकी ऑटोबायोग्राफी है, शेन वॉन की, ये तीनों कम से कम आप याद रखें। अगला क्या है, अगला है फुल फॉर्म ऑफ डीओ, यानी कि आपको डीओडी की, डीआरडीओ की फुल फॉर्म लिखनी है, इसमें कहीं ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको खुद से लिखनी है, याद होनी चाहिए आपको, ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में। अब चलो मैं आपको होमवर्क के आज के 30 प्रश्न भी दे देता हूँ। उससे पहले मैं कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है इससे फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ आप इसको लाइक करके और शेयर करके मुझे भी थोड़ा सा बेनिफिट पहुँचाएं, इसे आप शेयर ज़रूर करें, आप शेयर करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ आपके होमवर्क के पहले 10 प्रश्न। तो ये रहे आपके होमवर्क के पहले 10 प्रश्न, ये रहे अगले 10 प्रश्न। वीडियो को पॉज करके आराम से इसको सॉल्व करा करो, आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिलते रहेंगे। ये रहे अगले 10 प्रश्न। अच्छा, कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आप इन्हें शेयर और लाइक जरूर करा करो। देखो, इनको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप देख भी रहे होंगे कितना कंटेंट इकट्ठा करना पड़ता है, तो प्लीज़ आप इसे शेयर तो कम से कम जरूर करें, हर बंदा एक एक ग्रुप में इसे शेयर कर दिया करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रेजी के ट्रिक्स।